तो देशभर में लॉकडाउन का चौथा चरण जारी है, लेकिन अब भी मजदूर मजबूर दिखाई दे रहे हैं। जिला प्रशासन और राज्य सरकार के प्रयासों के बावजूद मजदूर पलायन कर रहे हैं। जहां एक तरफ सरकार ने लगभग सभी कामों को शुरू कर दिया है, लेकिन आखिर क्या वजह है कि जो मजदूर अभी भी पलायन कर रहे हैं। राजधानी में भी ऐसी कई तस्वीरें देखने को मिली है। पलायन कर रहे श्रमिकों से बात की हमारे संवाददाता ऋषभ पांडे ने। लॉकडाउन 4.0 का आज दूसरा दिन है, लेकिन जो मजदूर हैं, जो शहरों में फंसे मजदूर हैं, वो अभी वापस जाने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं। हालांकि सरकार ने जहां एक तरफ सभी कामों को लगभग शुरू कर दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ मजदूर अभी भी पलायन की ओर अग्रसर है। कुछ मजदूर यहां पर हैं, हम उनसे बात करेंगे। आप क्यों वापस जाना चाह रहे हैं, जहाँ एक तरफ सरकार ने भी सारे कामकाज खोल दिए हैं, क्यों आप एक पलायन की तरफ बढ़ रहे हैं? हम इसलिए जा रहे हैं सर कि हमारा खेती बाड़ी का टाइम आ गया और बहुत दिन आई भी हो गया, यहाँ तो वापस जाना चाहते हैं। किस तरह से आप वापस जा रहे हैं, क्योंकि पैदल चलते हैं आप? लगभग मैं देख रहा हूँ आप खातीपुरा से पैदल आ रहे हैं। जाने के लिए कब से पास बनवाए, कब से इंतजार कर रहे हैं कि आज लॉकडाउन खुले कल खुले, करते करते इतना दिन वेट करते रहे, लेकिन नहीं वो हो रहा है, तो हम पैदल अब निकल गए। किस तरफ आप पैदल अभी निकल रहे हैं, कहाँ पर जा रहे हैं आप पैदल? अभी चलते चलते कनौता थाने जाएंगे, वहाँ से गाड़ी मिल रहा है, मिलेगा तो ठीक है, नहीं पैदल फिर चलेंगे सीधे। बिल्कुल, जो यहाँ पर लोग हैं वो कह रहे हैं हम मध्य प्रदेश तक पैदल जाएंगे। कुछ महिलाएं भी हैं, हम उनसे बात करेंगे कि मैडम आप वहाँ से देख रहे हैं, आप बैग सर पर रख के आ रही, क्या किसी तरह की व्यवस्था आपको नहीं मिल रही? नहीं मिल रही हमको। इस तरह से कब तक आप पैदल चलते हो, क्योंकि मध्य प्रदेश काफी दूर है, एक लंबा रास्ता है, क्या इस तरह से कब तक पैदल चलेंगे? क्योंकि गाड़ी नहीं मिलेगा तो हम पैदल चलेंगे। मतलब आपने पूरी तरह से सोच लिया कि वापस जाना ही है, यहाँ पर रुकना नहीं? बिल्कुल, जो मजदूर हैं वो इसी मूड में एक मन बना लिया है पलायन का, जिसके चलते आप देख सकते हैं कि मजदूर जो है काफी ज्यादा सामान भी अपने पीछे ले रखा है, जिसकी वजह से जो एक वजन उठाकर यहाँ से मध्य प्रदेश की तरफ पलायन करने की बात कर रहे हैं। हालांकि जिला प्रशासन लगातार प्रयास कर रहा है, राज्य सरकार की यदि बात करी जाए तो राज्य सरकार भी लगातार इस जद्दोजहद में लगी हुई, किस तरह से जो मजदूर हैं, जो श्रमिक हैं, उनको उनके गंतव्य तक पहुंचाया जा सके। मैं कैमरा पर्सन यश माथुर के साथ ऋषभ पांडे, वन टीवी न्यूज, जयपुर।